हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी निगम कुकिंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है गुड़ और तिल की बर्फी कैसे बनेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं वीडियो बनाई हूँ। तो मैंने 150 ग्राम तिल लिया है सफ़ेद वाली, उसका मैं आज बनाऊँगी। 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, मैंने कम मीठा ऐड किया इसमें। आप चाहे तो 300 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम मीठा खाती हूँ। 500 ग्राम मैंने मिल्क लिया है, ये थोड़ा मेरा बादाम है। 2 चम्मच घी है, 4-5 मैंने इलायची ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया एक बड़ी कढ़ाई, उसमें मैं तिल को भून लूँगी। तो आप जब भी तिल को भूनते हैं तो लो फ्लेम पर ही भूने, इससे क्या होगा कि तिल आपकी जरेगी नहीं, अच्छे से भुना जाएगी। तो जब भी आप तिल को भूनते हैं तो लो फ्लेम पर ही भूने। तो मैं देख सकते हैं तिल ये भुना गया है। तो इसी तरह से आप ब्राउन होने तक इसको भूनिए, थोड़ा सा और मैं इसको भूनूंगी। तो देखिए ये हो गया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको मैं स्टील वाला प्लेट में ही निकालूंगी, इससे क्या होगा जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं दूसरा प्रोसेस करती हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है। कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड करूँगी। मिल्क है 1/2 लीटर, मैंने फुल क्रीम ली है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो है मिल्क पाउडर। मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करूँगी इसमें। तो मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको जब भी आप मिक्स करते हैं तो ठंडा में ही मिक्स करें। तो मैं इसको ठंडा में ही मिक्स करूँगी, उसके बाद ही गैस ऑन करूँगी। तो इसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा, तो इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसको गैस ऑन कर पकाऊंगी 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए मैं इसको, तो इसे आप खोआ होने तक या गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे पकाए। तब मेरा 2 मिनट हो गया है, देख सकते हैं मेरा मिल्क दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। तब तक मैं क्या करती हूँ, तिल जो भुना हुआ है उसको मैं मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेती हूँ दरदरा टाइप में। तो देख सकते हैं ये अभी नहीं हुआ है, फिर से मैं मिक्सर चला देती हूँ ताकि ये अच्छे से दरदरा हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्ट दरदरा टाइप में मैंने तिल को दरदरा पीस लिया है। अब मैं पीसी हुई तिल को खोआ वाला में ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ऐसे चलाते रहिए आप, इससे क्या होगा ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी और जो गांठ बनेंगे वो गांठ नहीं बनेंगे इसमें। तो इसी तरह से आप चलाते रहिए जब तक ये पूरी तरह से खोआ टाइप में ना बन जाए। तब मैं इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह चलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे से खोआ ना बन जाए। तो इसी तरह से आप चलाते रहिए अपनी। सर्दियों का सीजन है और मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो गुड़ और तिल की रेसिपी सबसे खास होता है। तो आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई करें। तो मेरा 7 मिनट हो गया, ये खोआ भी बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़, इसको मैं लो फ्लेम पर ही पकाइए जब तक ये पूरी गुड़ पिघल ना जाए। तो देखिए इसको मैं लो फ्लेम पर ही पकाऊँगी 5 मिनट। तिल और गुड़ की बर्फी बनाने में कम से कम 15 मिनट लगता है। तो देखिए ये 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये गुड़ पिघलने लगा है, इसे आप लो फ्लेम पर ही गुड़ को पूरी तरह से पिघलने दें, उसके बाद ही थोड़ा सा आप गैस को तेज कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं आप लोग मेरा गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है, थोड़ा सा बचा है तो ये पिघल जाएगा। इसको मैं 5 मिनट तक, जब तक ये पूरी तरह से टाइट या कठिन ना हो जाए तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इससे क्या होगा आपका खोआ भी अच्छे से बन जाएगा और आपका जो बर्फी है वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो देखिए ये इसको मैं आप हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि ये जल्दी रूखा हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये रूखा हो रहा है। तो ये बर्फी के लिए एकदम से खोआ तैयार हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं गरम-गरम ही बनाऊंगी। तो इसको आप 2 शिफ्ट में बना सकते हैं। पहला शिफ्ट में पेड़ा के रूप में बना रही हूँ, देख सकते हैं गोल गोल, बता देती हूँ मैं दोनों तरीका। तब मैंने गोल कर दिया है, औरी की सहायता से आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ पेड़ा मैंने बनाई है, देखिए ये। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है,
एक प्लेट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी इस तरह से लगा दीजिए और उसके बाद आप अपने हाथों की सहायता से इसको थोड़ा सा अपने हाथों पर ही चिपटा कर लीजिए, इसको फैला लीजिए। देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। आप चाहे तो फर्श पर भी बना सकते हैं, फर्श को अच्छे से साफ कर लीजिए, उस पर बेलन से सहायता से इसको बना सकते हैं, पर मैं फर्श पर नहीं बना रही हूँ, प्लेट में ही बना रही हूँ। अपने हाथों के सहायता से इसको इस तरह से कर दीजिए। सुंदर दिखने के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से तिल ऐड किया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा दिखने में। तो अब मैं चाकू के सहायता से इसको मैं बर्फी के शेप में कट करूँगी। मैं बर्फी को 3 कट में कट किया है, देख सकते हैं, इस साइड से मैं 4 कट करूँगी क्योंकि ये इधर से थोड़ा मैंने साइड से कट कर दिया है। तो ये कट हो गया है 4 कट। तो आप चाहे तो बर्फी में ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ बादाम लिया है। अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट वाला वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट में लिखकर जरूर भेजें ताकि मैं उसका वीडियो बनाऊँ। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर भेजें, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर दें।